नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी बैंक अकाउंट होल्डर की मौत हो जाती है तो उसके बाद उसके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको उस अकाउंट पे क्लेम किस तरीके से मिलेगा, मतलब आप कैसे खाता धारक होल्डर्स की मौत के बाद उसका अकाउंट में क्लेम ले सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले आप ये समझिए कि क्लेम केवल उन्हीं को मिलेगा जो कि उसके लीगल हेयर्स हैं। अब इसमें दो कंडीशन अराइजेस होती है, पहली कि अकाउंट में नॉमिनी है, दूसरी कि अकाउंट में नॉमिनी नहीं है। दोनों का क्लेम प्रोसेस बिल्कुल अलग अलग है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अगर खाता धारक ने नॉमिनी रजिस्टर करा रखा है तो उस केस में क्या रहता है कि बड़ा सिंपल प्रोसेस है, किसी तरह का कोई झंझट नहीं। 3 पेज का एक फॉर्म होता है और उसके साथ कुछ आईडी एड्रेस प्रूफ लगते हैं जो कि मैं आपको बताऊँगा, और सेम डे आपका ये क्लेम आपको मिल जाता है बिना किसी झंझट के। आपको क्या होता है, एक 3 पेज का फॉर्म देना होता है और उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं जैसे कि डेथ सर्टिफिकेट, पासबुक और एटीएम कार्ड खाता धारक का, आपका आधार कार्ड लगेगा, 2 और कोई भी आप विटनेस चूज़ कर सकते हैं जिनका खाता SBI में हो, उनके सिग्नेचर और उनके ID प्रूफ लगेंगे। और ये सब सबमिट करने के बाद आपको सेम डे बैंक में ड्राफ्ट मिल जाएगा, चाहे आपका किसी भी बैंक अकाउंट में, किसी भी बैंक में उनका खाता क्यों ना हो, चाहे स्टेट बैंक में हो, चाहे किसी भी दूसरे भारतीय पब्लिक और प्राइवेट बैंकों में हो। अब दूसरा केस आता है कि अगर खाता धारक ने नॉमिनी रजिस्टर नहीं करा रखा है, क्योंकि नॉमिनी नहीं रजिस्टर करा रखा है तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हो जाती हैं। देखिए, इसके अंदर 2 केस अराइज होते हैं। पहला कि जो खाता धारक है उसके जो लीगल हेयर्स है वो अगर यदि आपस में उनकी बनती नहीं है या सब एक दूसरे से मिलके रहते हैं, इस तरह के 2 केसेस हैं। दोनों केसेस में क्या होता है, सबसे पहले ये मान के चलिए कि अगर जो लीगल हेयर्स है वो सब आपस में लड़ते रहते हैं, किसी की एक दूसरे से बनती नहीं है, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो इस केस के अंदर आपको कोर्ट में जाकर सक्सेशन सर्टिफिकेट लाना होगा। सक्सेशन सर्टिफिकेट का मतलब ये हो गया कि आप कोर्ट लिख के देता है कि जो खाता धारक है इसका पैसा किसको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें कोर्ट में चलती है। सक्सेशन सर्टिफिकेट में करीब 6 महीने से 8 महीने का समय लग जाता है अप्लाई करने के बाद। और अगर मान के चलिए आपका परिवार बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि होता क्या है कि जब विदाउट नॉमिनी के केस में जितने भी लीगल हेयर्स होते हैं उनको एक बार तो ब्रांच में आना ही पड़ता है, तो अगर यदि बहुत ज़्यादा परिवार है, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, तो भी आप सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए जा सकते हैं, क्योंकि जनरली वकील सक्सेशन सर्टिफिकेट के 10 से 20 हज़ार रुपये तक ले लेते हैं। अब दूसरा केस आता है कि सभी लीगल हेयर्स में आपस में कॉपरेशन है, सब एक दूसरे की बात मानते हैं और सब में मेल मिलाप है, तो इस केस के अंदर आपको एक फॉर्म भरना होता है डिसीज क्लेम का, लिए पूरी फॉर्मेलिटी करनी होती है। फॉर्म कैसे भरना है, किस किस का क्या स्टेप है, मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। मैं मोटा मोटी आपको बता देता हूँ कि उस फॉर्म में क्या क्या लगेगा, थोड़ी फॉर्मेलिटी ज़्यादा है। क्लेम फॉर्म लगेगा आपका, एक श्योरिटी लगेगी, श्योरिटी मतलब होता है कि गारंटी, कोई भी थर्ड व्यक्ति जो कि ब्लड रिलेटिव ना हो वो गारंटी देगा बैंकों की, अगर कुछ भी वाद विवाद होता है तो वो गारंटर अपने ऊपर लेगा। लेटर ऑफ इंडेमनिटी होता है, लेटर ऑफ इंडेमनिटी होता है कि जो भी क्लेम ले रहा है पैसा वो लेटर ऑफ इंडेमनिटी देता है बैंक को कि अगर कल कुछ भी होता है तो मैं ही जिम्मेदार रहूँगा। लेटर ऑफ डिस्क्लेमर मतलब जो व्यक्ति सारे लीगल हेयर में जो व्यक्ति क्लेम ले रहा है उसके अलावा जितने भी लोग हैं वो लेटर ऑफ डिस्क्लेमर साइन करके देंगे बैंक को कि उनको किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं है कि बैंक अगर उसको जो भी क्लेम ले रहा है उसको पैसा दे दे। एफिडेविट चाहिए, एफिडेविट एक रेपुटेटेड पर्सन से चाहिए जो कि गैजेटेड ऑफिसर हो, हेडमास्टर हो या किसी सरकारी पद पर जो बैंक को एक्सेप्टेबल हो। एफिडेविट में होता क्या है कि वो व्यक्ति ये लिख के देता है कि ये फलाना फलाना व्यक्ति को जानता था और उसके लीगल हेयर ये हैं, तो उसके भी आईडी एड्रेस प्रूफ आपको फॉर्म के साथ लगाने होंगे। KYC डॉक्यूमेंट जितने भी लोग हैं सबके KYC डॉक्यूमेंट लगेंगे, जो क्लेम ले रहा है उसके भी KYC लगेंगे, जो डिस्क्लेमर दे रहे हैं उनका KYC लगेगा, श्योरिटी दे रहा है उसका KYC लगेगा, और जो एफिडेविट दे रहा है उसका भी आपको KYC डॉक्यूमेंट लगाना होगा। तो
क्या है ये सारी फॉर्मेलिटी जो मैंने इसलिए बता रहा हूँ आपको कि जो डिसीज के जो क्लेम अगर यदि नॉमिनी के केस में करते हो तो बहुत आसान है, विदाउट नॉमिनी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ हैं। तो कई बार अगर अमाउंट छोटा होता है 5,000 तो इस केस में अगर नॉमिनी रजिस्टर नहीं किया हो तो इस केस में बेटर होता है कि आप थोड़ा उस चीज़ को देख लें कि कितने स्टाम्प पेपर लगेंगे और जो हेडेक होगा अगर आपको वाजिब लगे तो ही क्लेम करना ठीक रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नॉमिनी आपका चाहे सेविंग अकाउंट हो, फिक्स डिपॉजिट हो, करेंट अकाउंट हो, रिकरिंग डिपॉजिट हो, नॉमिनी ज़रूर रजिस्टर करवा के रख लें। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।